मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप से आप अपनी क्लास के बच्चों के अटेंडेंस किस प्रकार से ले सकते हैं, और वो भी मोबाइल के थ्रू। क्योंकि आपने लैपटॉप और डेस्कटॉप के थ्रू तो आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको मोबाइल के थ्रू बताऊँगा कि मोबाइल में आप किस तरह से अपने बच्चों का अटेंडेंस ले सकते हो, और वो भी प्रूफ के साथ। वो भी मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि हाँ, ये पॉसिबल है, मोबाइल से लेना भी पॉसिबल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आप जाएंगे अपने टीम ऐप पर। ठीक है, टीम ऐप पर जाने के बाद आप जाएंगे असाइनमेंट पर। असाइनमेंट में सारी क्लास आपको डिस्प्ले होगी। आप उस क्लास को चूज़ करिए जिस क्लास की आपको अटेंडेंस लेना, मतलब जिस दिन भी आपका जिस क्लास में पीरियड होगा आप जाहिर है उसी क्लास का अटेंडेंस लेंगे। मैं अभी सबसे लास्ट पर जो क्लास है उसका मैं अटेंडेंस लेना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने उसको क्लिक किया तो क्या होता है, नीचे की तरफ नेक्स्ट का साइन आ रहा है, नेक्स्ट का बटन आ रहा है, उसको आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप नेक्स्ट के बटन को क्लिक करेंगे तो आप इस इंटरफेस पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे देखिए, आप राइट हैंड टॉप के ऊपर एक प्लस का साइन आ रहा है, आप उसको क्लिक करिए। प्लस के साइन को क्लिक करते से नीचे देखिए, आप नीचे कुछ ऑप्शन आ रहा है, उसका जो सेकंड ऑप्शन है न्यू क्यूज, आप उसको सेलेक्ट कीजिए। जैसे आप न्यू क्यूज को आप प्रेस करोगे तो इस प्रकार से आपको इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे देखिए, राइट हैंड पे आपको एक न्यू फॉर्म का एक ऑप्शन आ रहा है, तो न्यू फॉर्म को आप क्लिक करिए। न्यू फॉर्म को क्लिक करते हैं तो आपसे वो पूछता है कि आप किस ब्राउज़र से उसको ओपन करना चाहते हैं। तो जो भी ब्राउज़र से आप ओपन करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप गूगल क्रोम से ही इसको ओपन करें, कुछ ज़्यादा ईजी रहेगा आपको आगे का काम करने के लिए। तो मैं गूगल क्रोम से इसको ओपन करता हूँ। जैसे मैं गूगल क्रोम से इसको ओपन करता हूँ तो ये मुझे माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म के ऊपर पहुँचा देता है। यहाँ पर देखिए, इस प्रकार का डिस्प्ले है। यहाँ पे जो सबसे दो पहले दो ऑप्शन है, एक तो न्यू फॉर्म्स और दूसरा है न्यू क्यूज, तो आप न्यू क्यूज पे जाएंगे। न्यू क्यूज पे जैसे जाते हैं तो यहाँ लिखा अनटाइटल्ड क्यूज, तो आप क्यूज को आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते से आप यहाँ लिखेंगे क्या कर रहे हैं, आप अटेंडेंस ले रहे हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे अटेंडेंस। ठीक है, अटेंडेंस लिख दिया। इसके बाद नीचे लिखा इंटर अ डिस्क्रिप्शन, आप उसको छोड़ दीजिए और एड न्यू पे जाइए। एड न्यू पे जाते हैं तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आते हैं, आप पहले सेकंड वाले ऑप्शन जिस पे एबीसी लिखा है आप उसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इस पे आप लिखेंगे नेम ऑफ द स्टूडेंट, तो नेम ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट के बाद जो इंटर योर आंसर है उसको छोड़ देंगे, आप करेक्ट आंसर को छोड़ देंगे, एड न्यू एड आंसर को छोड़ देंगे। अब यहाँ पर आएंगे पॉइंट्स पे और यहाँ लिख देंगे ज़ीरो। ठीक है, इसके बाद आप रिक्वायर्ड वाले को क्लिक करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, अब आप फिर से जाएंगे एड न्यू पर, ये एड न्यू पे गए। अब आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करना है, फर्स्ट ऑप्शन को हमने चूज़ किया। अब यहाँ क्वेश्चन आ रहा है सेकंड, कि आप अपने बच्चों का जो अटेंडेंस है किस प्रकार से बोलेंगे उनको, कि आप किस प्रकार से अटेंडेंस देंगे, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आर यू प्रेजेंट, आर यू प्रेजेंट, इस प्रकार से आप बच्चों से पूछेंगे आर यू प्रेजेंट, तो बच्चा उसका आंसर देगा यस, तो आप यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है उस पर लिख देंगे यस, और जो सेकंड ऑप्शन है आप उसको डिलीट कर देंगे। बगल में डिलीट का साइन आ रहा है, आप उसको डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि हमको नो तो चाहिए नहीं, ओनली यस चाहिए। इसके बाद जो नीचे पॉइंट्स आ रहा है, पॉइंट्स के प्लेस पे लिखेंगे आप वन। ठीक है, ये वन हो गया। इसके बाद आप आगे कोई भी आपको ऐड नहीं करना है। ठीक है, अब आपने ये पूरा अपना फॉर्म तैयार कर लिया, अब देखना चाहते हैं कि वो किस प्रकार से डिस्प्ले होगा बच्चों को, तो ऊपर एक आई बटन दे रखा है, आई बटन को आप क्लिक करेंगे। जैसे आप आई बटन को क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको देखेगा नेम ऑफ द स्टूडेंट, मतलब बच्चों को देखेगा नेम ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ बच्चे अपना नाम डालेंगे। फिर आर यू प्रेजेंट, इसकी जगह बच्चे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यस क्लिक हो जाएगा और यहाँ पे वो सबमिट कर देंगे, क्योंकि हम लोग टीचर हैं तो हम यहाँ सबमिट नहीं करेंगे, ये बच्चे का ये वाला काम बच्चा करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको रिकैप करवाना चाहता हूँ। अभी तक हमने किया क्या है, सबसे पहले हमने हमारे टीम ऐप को ओपन किया था, फिर हमने असाइनमेंट पर गए थे। असाइनमेंट के बाद हमने क्या करा था कि जिस क्लास में हमें अटेंडेंस लेनी है उस क्लास को क्लिक किया था। इसके बाद हम क्या करें, टॉप पे गए और वहाँ पे प्लस का जो साइन था उसको हमने क्लिक किया। नीचे आए तो हमने देखा जो सेकंड नंबर का ऑप्शन था न्यू क्यूज, हमने उसको क्लिक किया था। उसके बाद हमने क्या किया, जैसे हम न्यू क्यूज को क्लिक करा था तो उसने क्या करा था, हमको गूगल फॉर्म्स पर ले गया था। वहाँ पर हमने फॉर्म भर पूरा बना लिया था कि क्या क्या हमने डालना है, या अटेंडेंस लेना है, फिर नेम ऑफ द स्टूडेंट लिखना है, यस नो सब कुछ हमने कर लिया। इस प्रकार से अभी तक हमने ये काम किया। अब हम वापस कहाँ जा रहे हैं, हमारे टीम ऐप पे। वापस हम टीम ऐप्स पे गए। ठीक है, फिर से हम वापस असाइनमेंट पे गए, फिर से हमने प्लस साइन को क्लिक किया। फिर से देखिए यहाँ पे न्यू क्यूज आ रहा है, उसको फिर से हम क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी अटेंडेंस लिखा हुआ आगे देखिए, सबसे पहला वाला जो है
उसी को हम क्लिक करेंगे क्योंकि वो जस्ट अभी अभी हमने बनाया है, तो उसको हम क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, आप नेक्स्ट के ऑप्शन से को क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो आप इस फॉर्मेट के ऊपर पहुंच जाते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है कि इंटर इंस्ट्रक्शन, आप अगर किसी अपने बच्चों को कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो तो यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। सपोज़ करिए आप बोलना चाहते हो कि स्टूडेंट प्लीज़ मार्क योर अटेंडेंस, आप ऐसा भी यहाँ पे लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी, आप लिखना चाहते हो तो लिखें, नहीं लिखना चाहते हो कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम यहाँ किसी को कोई टच नहीं करेंगे, आप सबसे नीचे जाएंगे और नीचे जो से जो सेकंड नंबर पे एडिट लिखा है आप उस एडिट को क्लिक करेंगे। जैसे हम एडिट को क्लिक करते तो इस प्रकार का डिस्प्ले आता है। हम सबसे पहले जो डेट है उसको चेंज करेंगे, अगर चेंज है तो यहाँ पे देखो 29, क्योंकि आज डेट 29, तो मैं 29 को क्लिक कर देता हूँ, ये 29 हो गया। अब मैं यहाँ पे टाइम डालता हूँ, ये मैंने टाइम डाल दिया। अब मेरे को ड्यू डेट डालना है, यानी कि मेरी जो अटेंडेंस है, जो मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, वो किस दिन की और कब तक चलेगी। तो ज़ाहिर है मैं जिस दिन का लूँगा उसी दिन तक चलेगी, नेक्स्ट दिन तो बच्चा उसको अटेंड करेगा नहीं, तो हमको डेट उसी दिन की डालना है, यानी कि 29 जो आज की डेट है उसी दिन का हमने डाल दिया। ठीक है, अब हमको ये बताना है कि बच्चा कब से कब तक यहाँ पर उसके अटेंडेंस मार्क कर सकता है। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि ना तो आप क्लास के स्टार्टिंग में मार्क करिए और ना ही क्लास के एंड में, क्योंकि क्लास के स्टार्टिंग में अगर आप करेंगे तो बहुत सारे बच्चे कभी कभी अटेंड नहीं कर पाते शुरू शुरू में, तो आपके कुछ बच्चे उसको मार्क नहीं कर पाएंगे। और अगर लास्ट में जाते हैं तो कुछ बच्चे क्लास से पहले ही, टाइम से पहले ही आप क्लास छोड़ देते हैं, तो भी वो बच्चे रह जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, मतलब जो मिडिल ऑफ द सेशन रहता है उसमें आप बच्चों की अटेंडेंस लीजिए, तो ज़्यादा अच्छे से रहेगा, सारे बच्चे उसमें अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसा टाइम डालिए जो आपकी क्लास का मिडिल टाइम हो। सपोज़ करिए आपकी 2 से 3 क्लास चलती है तो आप 2:30 बजे का टाइम डाल दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टाइम डाल दूंगा, ये मैंने टाइम डाल दिया है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि आप ऐसा टाइम डालिए कि बच्चों को कम से कम टाइम आपको देना है, यानी कि जैसे 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट दीजिए, कि इस 20 मिनट के अंदर वो पूरा पूरा अपना काम, पूरी पूरी अपनी जो अटेंडेंस है वो फिल कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपके टाइम का जो आपने जो टाइम डाला है उसके बाद कोई भी बच्चा अटेंडेंस नहीं फिल कर पाए, तो नीचे जो क्लोज डेट है आप उसको क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लोज डेट को क्लिक करते हैं, इसका मतलब ये है कि जो आपने बच्चों को टाइम दिया है सिर्फ उसी टाइम में वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर पाएंगे, उसके बाद नहीं कर पाएंगे, और आप कर दीजिए डन। डन करने के बाद इसका मतलब ये कि आपने सारा कुछ जो है वो सही तरीके से कर लिया है। अगर फिर भी आपको लगता है कुछ चेंज है तो आप फिर से एडिट में जाइए और चेंज भी कर सकते हैं। और हाँ, एक और बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि आपको यहाँ बार हर दिन ये फॉर्म नहीं बनाना, जो मैंने जो अभी माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म पे आपको जो सारा बना के बताया था, वो आपको डेली नहीं करना है, बस यहाँ पे डेली करना है। यहाँ पे बस आपको एडिट पे जाके क्लास चेंज करनी है और टाइम चेंज करना है, बस हर बार आपको ये करना है। मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, आप सारा कुछ कर सकते हो। डेली आपको इतना लंबे प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं शेड्यूल पे। जैसे ही मैं शेड्यूल को क्लिक करता हूँ, इसका मतलब ये है कि वो जो मैंने अभी फॉर्म बनाया था वो सारे बच्चों के पास पहुँच गया, उस क्लास के जिस क्लास को मैं अटेंडेंस लेना चाहता हूँ उसके पास ही सारा चीज़ पहुँच चुकी है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों के पास ये किस प्रकार से डिस्प्ले होगा और बच्चे किस प्रकार से इसको, इस अटेंडेंस को मार्क कर पाएंगे। तो चलिए मैं अब चलता हूँ किसी स्टूडेंट के अकाउंट पे और वहाँ देखता हूँ कि किस प्रकार से शो हो रहा है। चलिए, तो मैं स्टूडेंट के अकाउंट से लॉगिन हो चुका हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि उसके सामने किस प्रकार से ये आएगा। चलिए देखते हैं, ये लिखा है व्यू असाइनमेंट। व्यू असाइनमेंट पे जाएंगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देख लिखा है अटेंडेंस आर, तो आप अटेंडेंस को क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके पास फॉर्म आएगा जिसमें लिखा नेम ऑफ स्टूडेंट। मैं यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट में इंटर कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ नीचे यस का साइन है, मैं यस के साइन को क्लिक करता हूँ, यानी यस जो लिखा था उसको मैंने क्लिक कर दिया। जैसे मैंने यस को क्लिक किया तो यहाँ पे आ रहा है सबमिट। अब बच्चा यहाँ पे सबमिट कर देगा, देखिए बच्चे ने सबमिट कर दिया, थैंक्स लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब ये है कि बच्चे ने मतलब अपनी अटेंडेंस फिल कर दी है। अब टीचर के पास ये किस प्रकार से देखेगा, अब मैं टीचर के मोबाइल से आपको बताता हूँ। ठीक है, ओके, तो वापस मैं टीचर के अकाउंट्स पे आ चुका हूँ। अब मैं आपको बताऊँगा कि टीचर को जो बच्चे ने अटेंडेंस अपनी भेजी है वो किस प्रकार से यहाँ नज़र आएगी। ये मैंने ओपन किया असाइनमेंट, यहाँ व्यू असाइनमेंट पे जाऊँगा। देखिए यहाँ पर मार्क्ड 1 लिखा आ रहा है, मैं मार्क 1 पे जाता हूँ तो उस बच्चे का नाम लिखा रहा है जिसने यहाँ पे अटेंडेंस दी थी। ठीक है, इस प्रकार से आप जितने, खैर मैंने एक ही बच्चे के बारे में बताया था, बहुत सारे बच्चे, जितने बच्चों के सबके नाम यहाँ पे एक एक करके नीचे से आते जाएंगे। इस तरह से आप सारे बच्चों की अटेंडेंस ले सकते हो। अगर मान लीजिए इस चीज़ को आपको एक्सेल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए आपको
डेस्कटॉप या लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके आप इसको एक्सेल फॉर्म में कर पाओगे। अगर आप लैपटॉप पे नहीं जाना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच के अपने अथॉरिटी को शो कर सकते हो, अथॉरिटी को सेंड कर सकते हो। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।